फैंटास्टिक, सेकंड दिन में ओके हो गया मैंने। हमारा अपना फियर हमको स्टेज फियर देता है, लोग तो वैसे ही हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अपने आप सीनियर ऑफिस से आके पूछ रहे हैं, वो आपको नजर में सिविलियन ड्रेस में मिल गए, वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर हुआ सिटिंग देयर, आप जा रही हैं, सर बोलो सर ये अब आप क्या करेंगे, मुस्कुराना मत, अब तो मुस्कुरा नहीं सकते। सडनली देखा सामने से आईजी साहब, डीआईजी साहब या डीजी साहब आ रहे हैं और आपको इनसे ही पूछना है और कोई तरीका नहीं। नाउ हाउ विल यू आस्क, एक्शन। अभी स्माइल को कट करना है, मैं बताता हूँ स्माइल का क्या रीजन है। जब हम स्टूपिड महसूस करते हैं, जब हम फियर महसूस, नो फियर नो स्माइल, एक्शन। सुनाई नहीं दोबारा बोलो, I'm the officer. सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। और जोर से बोलो। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। स्माइलिंग करना। स्माइलिंग करना। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर स्माइलिंग करना। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है? नहीं जाता है। I think that is the end of it. I want to thank sir, ma'am, आप हमारे ऑफिस आई, आपने हमें बुलाया, सर आपको सबको thank you very much. Live life, that's the best way to live. Time and spending with us and motivating us to do better the days to come. Sir, your mere presence has really motivated us and believe me sir, you have an aura of positive energy. So and you have been a constant source of inspiration and you have made us laugh and enjoy the journey of life with so much of positivism. Sir, besides your positive energy, you have spoken so many nice things with such a beautiful beginning. You have connected with us in such a nice manner and I assure you sir, in the days to come, the CISF, the performance that it is giving, it will go a long way in doing our job in much more better ways. So on this occasion, I would like to thank Sri Satish Bhandare, IPS. मैंने ये जो मेरे पास CISF के लोग अधिकारी आए थे आज से एक महीना पहले, मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ पर आकर मैं ज़रूर यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के आम जवानों से मैं आके बात करूँगा। 50 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, मेरा आमना सामना इनके साथ हमेशा एयरपोर्ट पे होता है और मैं इनकी एफिशिएंसी का कायल हूँ, इनकी पोलाइटनेस का कायल हूँ, इनकी अलर्टनेस का कायल हूँ। और इसकी शुरुआत 1969 में 2000 ऑफिसर से हुई थी, 2000 लोगों से हुई थी और आज 1.5 लाख तक पहुँच गए हैं। एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज एंड ये अमेजिंग काम करता है। मेरा आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इन तक अपनी ज़िंदगी ने, मुझे जो ज़िंदगी ने सीख दी है वो इन तक पहुँचाना था। ऐसा तो मैं कोई ज्ञान की बात इनको सामने सिखाना, ये अपना काम कर रहे थे मगर मुझे बहुत अच्छा लगा इनके हाथ इंटरव्यू करके। सर साथ ही आपने जोश और उत्साह भर दिया, आपने कहा कि देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, भारत माता की जय बोले, शर्मिंदा ना होना कोई आम आदमी, उस पर एक बार फिर से विचार आपने? नहीं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा वर्दी के लोगों का हमेशा मैं उनके बारे में सोच के मेरी आँखें नम हो जाती हैं और गर्व से मेरा माथा, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं शिमला में रहा हूँ, शिमला में वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स था। मैंने बचपन से अपने आसपास, अपने स्कूल शुरू के दिनों में, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, आर्मी में की ड्रेस में लोगों को देखा है और जय हिंद बोलना या राष्ट्रगान गाना या उसके लिए मेरे बारे में कोई और ख्याल आता ही नहीं। तो आज वर्दी में इतने सारे लोगों को, 500-600 लोगों को देखकर ये स्वाभाविक था कि देश के राष्ट्रगान के बारे में, जय हिंद के बारे में बातें हों और मज़ा आया। आज 500-600 लोगों के साथ जनगण गाने में जो जोश आया और जो हिमा दास को देखकर जब उनकी आंखों में आंसू थे, जब राष्ट्रगान चला था, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो वही फीलिंग होती है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जहाँ तिरंगा देखकर मन में एक देशभक्ति का भावना जागे और यहाँ तो आज स्वाभाविक था। सर एक
पॉलिटिकल क्वेश्चन, कल 4 साल की मोदी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, आपकी नज़र में 4 साल में कितना विश्वास जीता है सरकार ने? मुझे लगता है कि आज का दिन हमको सिर्फ CISF की बात करनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बाद में चैनल वाले सिर्फ इसको दिखाएं कि मैंने 4 साल पे क्या बोला। इनके 50 साल हो गए हैं, 50 साल 4 साल से बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मेहनत बहुत कड़ी है। आई एम श्योर गवर्नमेंट अपने आप को सक्षम समझती है और जो भी वो कर रही हैं, पर आज का दिन, सारा दिन और आज का पूरा साल 10 मार्च तक सिर्फ CISF के लोगों के बारे में है। और आज अगर और किसी टॉपिक पर बात करूँगा तो वो अच्छा नहीं होगा। एक विषय से जो आपने कहा देशभक्ति की बात कही, देश कहाँ जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब चल रहे हैं। अभी आई एम टॉक टू मुस्लिम करके एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, I have come from a family which never told me that there are another religions. We have respected all religions. That's a ridiculous campaign. मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही उनको छोटा महसूस कराने की बात करने की, यू हैव टू पॉइंट इट आउट। ये सब बहुत ही शर्मनाक कैंपेन था मेरे हिसाब से। बट आजकल सोशल मीडिया में कोई भी कैंपेन बनाना बहुत आसान है। रोज़ हर चौथे दिन कोई ना कोई कैंपेन में ट्रेंड कर रहा होता है, तो ट्रेंड अपने काम से किए जाने चाहिए लाइफ में। बाकी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वेयर समडे दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग। आई एम एन इंडियन, शुड बी द कैंपेन दैट शुड ऑलवेज रन इन एवरीबडीज लाइफ एंड एवरीबडीज ब्लड। किसी की धार्मिक जो उसकी वो धारणा है या उसका सोच है या उसका जो धर्म, जिस धर्म से वो पैदा हुआ है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एवरी डे आई एम एन इंडियन शुड ऑलवेज ट्रेंड। सर आप देश की बातें करते हैं, देश में अभी ट्रिपल तलाक को लेकर काफ़ी